हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद हस्तकला पांडे में स्वागत है। और आप सभी को हमारे तरफ से प्यारा सा गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है और हम बना रहे हैं भोजन। देखिए, इधर हो रहा है दूध गर्म और इधर बनाने जा रहे हैं हम सब्जी। तड़का वगैरह इसमें डाल दिया है और ये है लौकी की सब्जी, कट करके हमने रख दिया है इसको। अब जो है देखिए इसको बनाएंगे। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। दोस्तों और रिश्तेदारों में भी, जहां कहीं भी हो, जिस माध्यम से भी हो, स्किप करके बिल्कुल मत देखिए। जितना ही आप अच्छे से पूरा वॉच करेंगे उतना ही आपको वीडियो अच्छी लगेगी। हम इसको रखते हैं और पहले सब्जी बना लेते हैं। और दोस्तों बताइए आप लोगों के यहाँ धान वगैरह कट गया कि नहीं? आज रात को हमारा जो भी धान था इधर पूरा कट गया है। हमारा ही नहीं, जितने लोग थे इधर में 12-1 बजे तक करीब कंबाइन ने काट दिया है पूरा धान। अभी आपको दिखाएंगे, पहले सब्जी थोड़ा भून लेते हैं। उसके बाद से देखिए सब्जी को डाल दिया है हमने और इसको भून लेते हैं अच्छे से भून करके। उसके बाद से अभी थोड़ी देर बाहर चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि पूरा खेत कैसा हो गया है। एकदम वीरान सा लगने लगा है, पहले कितना अच्छा हरा भरा लगता था। और राज पढ़ा है कोचिंग। राज के पापा गए हैं धान को अलगवाने के लिए, जैसे अधिया पर लोग यहाँ पर बोते हैं। दे दिया गया है, कोई करने वाला नहीं है तो इस वजह से तो वही अलग करवाने के लिए गए हैं। और देखिए हमारी गाय गौ माता के कर लीजिए दर्शन, आ रही है। बहुत तेज धूप आ रहा है इधर से। देखिए और ये वाला तो देखे ही हैं खेत आप। अब तो बौसिन जो बोया गया था वो धीरे धीरे छोटा छोटा उसमें जो है निकलने लगा है, वो पौधा जो है जो चारे के लिए बोया गया था। देखिए आपको दिखाते हैं कितना छोटा छोटा है ये। अभी ये बहुत बड़ा होगा, अभी छोटा दिख रहा है, बाद में बड़ा हो जाएगा। देखिए इधर से दिखाते हैं आपको, अभी बहुत छोटा है, एकदम नज़दीक से दिखाते हैं, बाद में बड़ा हो जाएगा पूरा, तब काट करके मतलब गाय को खिलाया जाता है उसको। और इधर दिखाते हैं आपको पूरा, ये देखिए जो धान उस दिन था खेत में पूरा धान कट गया है। यहाँ से वहाँ तक कहीं भी आपको धान मतलब नज़र नहीं आएगा, सब कुछ कट चुका है एकदम चारों तरफ। या यूँ कहें इधर का धान मतलब हमारा ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में जितने लोगों का था सब कुछ कट गया है। और अब तो उसको सुखाने में ही बहुत मेहनत लगेगा, क्योंकि धान जैसे पहले था लोग खेत में काट के छोड़ देते थे तो थोड़ा सूख भी जाता था। और अभी क्या है कि तुरंत कंबाइन काटता है और तुरंत वो आता है, तो बहुत ही मतलब कई दिनों तक उसको सुखाना पड़ता है। काफ़ी धूप है इधर, लेकिन देखिए सुबह के समय कितना अच्छा लग रहा है चारों तरफ गांव का दृश्य। बहुत ही अच्छा लगता है गांव में, चारों तरफ जो है सीन मन को एकदम आनंदित करने वाला रहता है। देखिए ये तो हमारा घर ही है, हम लोगों का खेत ज़्यादा दूर नहीं, एकदम पास में ही है, घर से सटा हुआ ही है पूरा खेत।
देखिए, और ये देखिए आप हल्दी, हल्दी का पेड़ कितना बड़ा बड़ा हो गया है। जो हल्दी आप सब्जी वगैरह में डालते हैं उसका पेड़ देखिए कैसा है, ये पूरा बड़ा बड़ा है। अभी जब अभी तो नहीं, उधर जनवरी फरवरी तक इसको मतलब खोद के निकाला जाता है, तो पूरा बड़ा बड़ा जैसे अदरक जैसे निकलता है। फिर सुखा करके उबाल करके उसको मशीन में ले जा करके पिसवा के लाते हैं हम लोग, तो पूरा साल लगभग हल्दी चल जाती है। कभी कभार ऐसा होता है जो पूरा साल ना चलता हो, नहीं तो लगभग चल ही जाता है। और सीन तो आप देख ही रहे होंगे कितना अच्छा है, कितना सुहाना है चारों तरफ। और दोस्तों आज हमारे घर कोई आने वाला है, अगर वो मिलना चाहेंगी आना चाहेंगी तो आपको ज़रूर अगली वीडियो में वो देखने को मिलेंगी। बहुत ही अच्छी हैं, प्यारी हैं और बहुत खुश हैं हम, एक्साइटेड हैं एकदम। कई दिनों से उनका वेट कर रहे थे लेकिन आ नहीं पा रही थी, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि वो आएंगी। तो अगर आएंगी और वो मिलना चाहेंगी, मतलब आप लोगों के सामने आना चाहेंगी कैमरे के, तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपना सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद से आपसे मिलेंगे। अगर वो आ जाएंगी, बहुत प्यारी मैम हैं, अगर वो आ जाएंगी तो उनके साथ बातचीत करते हुए आपको दिखाएंगे। और सब बताइए आप सब लोग कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और गांव का सीन कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय।